नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का। और पनीर टिक्का के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो एक बारी हम देख लेते हैं। पनीर, क्रीम, दही, बटर, नमक, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, लाल मिर्च और ये कोरिएंडर पाउडर, और साथ ही इसमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। आइए देखते हैं आगे इसे बनाने की विधि। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, बाउल में दही को डाल देंगे। दही डालने के बाद उसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक, ये सब डालने के बाद इसमें हमारे जो पनीर के पीसेस थे वो ऐड कर लेते हैं। साथ ही इसमें जो टमाटर थे जो हमने काटे हुए थे वो ऐड कर लेते हैं। ये प्याज और ये शिमला मिर्च जो हमने काटी थी, इन सबको एक जगह डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा बटर भी ऐड करेंगे। बटर थोड़ा मेल्टेड फॉर्म में लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमने डायरेक्ट ही ले लिया क्योंकि रूम टेम्परेचर में बटर वैसे ही थोड़ा मेल्ट हो जाता है। बहुत इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे आप घर में ये बना सकते हैं। इसमें थोड़ी क्रीम भी ऐड कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारा ये जो मसाला था, ये हमारे जो पनीर के क्यूब्स थे और ये डाइस हमारे ऑनियन और ये शिमला मिर्च थी, इनमें अच्छे से मिल गया। अब इन्हें 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये हमारे पनीर टिक्का को हम सीख में डालते हैं। सबसे पहले आप जैसे टमाटर ले लीजिए, उसके बाद आराम से कीजिएगा, शिमला मिर्च है उसे ले लीजिए, फिर एक टमाटर का ले लीजिए पीस, उसके बाद पनीर ले लीजिए, पनीर डालने के बाद फिर एक प्याज का पीस ले लीजिए, प्याज का पीस डालने के बाद दोबारा एक टमाटर ले लीजिए, फिर एक पनीर ले लीजिए। ये देखिए हमारे टिक्के की ये जो सीख थी ये तैयार हो गई है। आइए अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। एक पैन ले लीजिए, पैन में बटर की ग्रीसिंग कर लीजिए और उसके ऊपर ये पनीर टिक्के की जो हमने सीख बनाई है ये रख लीजिए। बटर हल्का सा ऊपर रख लीजिए और साथ में इसको हिलाते रहिए। 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही हम अपने पनीर टिक्के को तवे में रखेंगे। साइज चेंज करते रहिएगा, अभी फिलहाल हुआ नहीं है, इसको वापस कर लेते हैं। ये देखिए ये एक तरह से ब्राउन हो गए हैं, इनकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। पनीर लगभग हो चुका है। अब इसे एक तंदूरी तेज देने के लिए इसे हम गैस में थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। गैस में हमने ये जाली सी रख ली है, इसके ऊपर ये हम पनीर को ऐसे रख लेंगे, इससे पनीर में एक तंदूरी फ्लेवर आएगा। ये पनीर टिक्का मसाला हमारा तैयार हो गया है। आइए इसे सर्व करें।
पनीर टिक्का मसाला तैयार है। इसे आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।